दिग्विजय सिंह यूपी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरे जंगल में रहने वाले जंगलवासियों को और गाँव के लोगों को उनके गाँव की सीमाओं में बरसने वाले पानी को सहेजने का बहुत अद्भुत काम किया था। उन्होंने उस काल में वहाँ के लोगों को संगठित करके गाँव का पानी गाँव में, गली का पानी गली में, खेत का पानी खेत में, सब सब मुद्दों पर पूरा गांव का पानी का ऑडिटिंग बजटिंग करके गांव के पानी से गांव को पानीदार बनाने का एक अद्भुत काम उस काल में उनके जब वो मुख्यमंत्री थे शुरू हुआ था। और उस काम में कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्टर फ्री काम था, तो उस काम से कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाने का काम नहीं था, वो गरीब लोगों को फ़ायदा हो इसलिए सारे का सारा काम गांव सभा करती थी, लोग करते थे। तो वो जो काम था वो काम गरीबों को सशक्त करने का, गांव के लोगों की को शक्तिशाली बनाने का काम था। इसलिए भारत को यदि पानीदार बनना है तो फिर उसी तरह का सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन का की ज़रूरत है। भारत में जो ये सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन है उसी से भारत हजारों साल से पानीदार बना रहा, लेकिन अब हमने वो सब वाटरशेड बंद करके और प्रधानमंत्री सिंचन योजना शुरू कर दी। प्रधानमंत्री सिंचन योजना में किसको फायदा होता है? गांव को नहीं, ठेकेदार को फायदा होता है। तो मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह जब MP के मुख्यमंत्री थे उस काल में उन्होंने पानी का बहुत अच्छा जल संरक्षण का काम किया था। कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट सस्टेनेबल है और वो मध्य प्रदेश में एक तरह से एक आइडियल काम दिग्विजय सिंह ने अपने मुख्यमंत्री काल में शुरू किया था। उस वक्त मैं अन्ना हजारे दोनों बार बार उनके उस काम को जाके देखते थे, उस काम में और क्या अच्छा हो सकता है बताते थे, करते थे। इसलिए वो एक अच्छा काम था, उस काम को की आज भी बहुत ज़रूरत है।